नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, सीख स्टडी में आपको करंट इवेंट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे तालिबान के बारे में फ्रेंड, कि तालिबान ने आखिर भारत को क्यों धमकाया है। उसने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत ने अपनी सेनाएँ अफगानिस्तान भेजी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर तालिबान ने क्यों ऐसा कहा है? क्या तालिबान वाकई में इतना मजबूत है कि इंडिया को इतनी ऐसी धमकी दे सके? हम जरूर जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड चलते हैं आज की वीडियो पर, लेकिन उससे पहले फ्रेंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड हम बात करेंगे आज इस बारे में कि तालिबान ने आखिर भारत को धमकी क्यों दी है। क्या वाकई में तालिबान में इतनी क्षमता है कि इंडिया जैसी देश को हरा सके? तो फ्रेंड चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड तालिबान के स्पोक्स पर्सन, जिनका नाम आपने सुना होगा फ्रेंड, ये हैं सुहेल साइन। इन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी तो उनका भी हश्र, जैसे US की सेना और अन्य सेनाओं का हुआ है, वैसे ही भारतीय सेना का भी हश्र होगा। इससे भारत को सबक लेना चाहिए और भविष्य में कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और उन्होंने इसको यह बताते हुए भी कहा है कि ऐसा करने से भारत के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड आगे और बात करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, तालिबान के स्पोक्स पर्सन इन्होंने कहा है फ्रेंड कि भारत को अन्य सेनाओं के हश्र से सबक लेना चाहिए और ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए जिससे कि भारत को दिक्कत हो। तो फ्रेंड हम बात करेंगे तालिबान की, क्या वाकई में तालिबान इतना मजबूत है कि वो किसी देश की सेना को हरा सके? अगर आप देखेंगे तालिबान का जो साइज है इसके ग्रुप का, तो फ्रेंड इसमें महज 70 से 75 हज़ार लड़ाके हैं। लेकिन ये कैसे किसी देश की सेना को ऐसी धमकी दे सकते हैं कि फ्रेंड आप अफगानिस्तान में अपनी सेना मत उतारें और आप अपने बारे में भी वही हश्र इमेजिन कर सकते हैं जैसा उन्होंने कई देशों की सेनाओं के साथ किया हुआ है फ्रेंड। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? तो हम जानेंगे फ्रेंड, देखिए इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं फ्रेंड अफगानिस्तान में, उनमें अफगानिस्तान के जो संगठन है फ्रेंड, जैसे कि तालिबान, लश्कर ए तैयबा और अलकायदा जैसे, ये जितने भी संगठन थे फ्रेंड, इन्होंने जीत हासिल की है। तो इन्होंने जीत हासिल क्यों करी है फ्रेंड? अगर आप देखेंगे कि एक देश की जो होती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनकी संख्या देखेंगे तो लगभग 20-25 लाख होती है। वहीं पर अगर तालिबान संगठन की आप संख्या देखें लड़ाकों की, इसमें तो 70 से 75 हज़ार है। लेकिन फ्रेंड ये अफगानिस्तान में इतने घातक कैसे साबित हो जाते हैं कि ये इतने बड़े बड़े जो देश हैं जैसे कि US, UK, रसिया, इन सबको खुली धमकी देते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे? तो फ्रेंड इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसकी एकमात्र वजह है अफगानिस्तान की जियोग्राफी ही ऐसी है फ्रेंड, जो दूसरी कंट्रियों को इसे जीतने पर फ्रेंड बाधक बना देती हैं फ्रेंड। इस वजह से तालिबान या कोई भी इनके जो संगठन है दूसरी सेनाओं पर हावी हो जाते हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये सेंट्रल एशिया का फ्रेंड, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच बसा हुआ एक देश है फ्रेंड, और इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है फ्रेंड। और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंड पर्वतमालाएँ हैं, यहीं पर हिंदू कुश पर्वत भी पाया जाता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये बॉर्डर शेयरिंग करता है ईस्ट और साउथ में, पाकिस्तान से, ईरान से करता है वेस्ट में, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से नॉर्थ में, और चाइना से नॉर्थ ईस्ट में। ये इसकी बॉर्डर शेयरिंग है। और साथ ही साथ इसके फ्रेंड ईस्ट पार्ट में पाई जाती है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। और फ्रेंड इन जो ये जो अफगानिस्तान के लड़ाके हैं, इनके लिए फ्रेंड ये स्वर्ग का काम करती है। जब भी कोई देश इन पे फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस मैप में ऐसा है अफगानिस्तान का एरिया, इसमें केवल फ्रेंड आपको पर्वत श्रृंखला ही ज़्यादातर मिलेंगी।
छोटी छोटी और बड़ी बड़ी भी। ये हिंदू कुश पर्वत है फ्रेंड, जो कि आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ी एरिया है, और ये बन जाता है इनके लड़ाकों के लिए बिल्कुल स्वर्ग फ्रेंड। क्योंकि जब भी कोई सेना आती है इन पर अटैक करने, तो फ्रेंड ये इनकी जो चोटियां हैं और गुफाएं हैं फ्रेंड, इनमें जाके छिप जाते हैं। और जब भी कोई देश की सेना इन पर आक्रमण करने आती है, बॉम्बिंग करती है, तो फ्रेंड वो उससे बच जाते हैं। और फ्रेंड अगर बात की जाए इनके लड़ने की ढंग की, तो ये कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ते हैं कि सेना के सामने प्रत्यक्ष रूप से लड़े आके। अगर ये फ्रेंड प्रत्यक्ष रूप से लड़े आके किसी भी सेना के आगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनको आराम से कोई भी सेना ख़त्म कर देगी, क्योंकि इनके पास केवल 75,000 ही लड़ाके हैं। और फ्रेंड ये लड़ते हैं, कई बार सैनिकों को फ्रेंड हमला कर देते हैं, और फिर उसके बाद फ्रेंड आम पब्लिक के बीच पहुंच जाते हैं, जिससे कि इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। जिसकी वजह से कई बार जो सैनिक होते हैं, जो दूसरे देश के हैं, यहाँ पे हैं फ्रेंड अमेरिका के, यूके के, वो कई बार दूसरे सिटीजन जो कि आम नागरिक होते हैं उन पर भी गोलीबारी कर चुके हैं। तो फ्रेंड इसकी वजह से आम सिटीजन को भी नुकसान उठाना पड़ता है, और लेकिन ये फ्रेंड उन आम नागरिकों के बीच में जाकर खुद को बचा लेते हैं फ्रेंड, और सैनिकों के लिए कार्य मुश्किल कर देते हैं। तो फ्रेंड इसीलिए यहाँ पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड 1839 से 2021 तक का प्रेजेंट सिनेरियो का हाल, तो फ्रेंड आप पाएंगे कि यहाँ पे जितनी भी सेनाएं थी उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है फ्रेंड। इसीलिए अफगानिस्तान को फ्रेंड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, कि यहाँ कई सारे एम्पायर्स की कब्र बन गई है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स को भी यहाँ काफी लॉस हुआ है, उसके फ्रेंड देख सकते हैं 2348 सैनिक मारे जा चुके हैं 2001 से 2021 तक। और नाटो की बात की जाए, तो आप नाटो को भी देख सकते हैं फ्रेंड, ये भी 2001 से 2021 तक इसका पार्ट है, और फ्रेंड आप देख सकते हैं इसके भी 1147 सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर बात की जाए सोवियत यूनियन की फ्रेंड, जो कि अफगान और सोवियत वार हुआ था 1979 से 1989, इस दौरान फ्रेंड सोवियत को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, और वह उसकी भरपाई भी नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से फ्रेंड आगे चलकर सोवियत कोलैप्स हो गया था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड उसके 14,453 सैनिक अफगान और सोवियत वार में मारे गए थे। और ब्रिटिश एम्पायर की बात की जाए, ब्रिटिश एम्पायर जो कि 1919 में युद्ध हुआ था, थर्ड अफगान एंग्लो युद्ध हुआ था फ्रेंड, उसमें उसके 236 सैनिक मारे थे, और 3 युद्ध लड़े गए थे फ्रेंड ब्रिटिश एम्पायर और अफगानों के बीच। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कैसे ये नुकसान पहुंचाते हैं दूसरी कंट्रियों के सैनिक को, क्योंकि इसकी जियोग्राफी ऐसी है फ्रेंड, ये खुद को सेव कर पाते हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में पहुंचकर, और इन पर कोई भी सेना बमबारी करे तो फ्रेंड वो असर नहीं होती है। आप देख सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर में सेकेंड जो एंग्लो अफगान वार हुआ था, उसमें भी फ्रेंड 9850 सैनिक मरे थे ब्रिटिश एम्पायर के। और ब्रिटिश एम्पायर का आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एंग्लो वार हुआ था 1839 से 1842, तो फ्रेंड उसमें लगभग 4700 सैनिक ब्रिटिश एम्पायर के मारे गए थे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी दूसरे देश की सेनाएं होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से फ्रेंड इसे जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और तालिबान के जो लड़ाके हैं फ्रेंड, वो प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर प्रत्यक्ष रूप से वो सामने आके लड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 दिन में ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड, तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड इसका एरिया अफगानिस्तान का, तो फ्रेंड ये अफगानिस्तान का एरिया जिसमें आप हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को देख सकते हैं फ्रेंड, और ये हिंदू कुश इन तालिबान लड़ाकों के लिए फ्रेंड स्वर्ग बन गया है, और ये इसी का फायदा उठाते हैं और दूसरे देश की सेनाओं के जो सैनिक हैं उन पर घात लगाकर वार करते हैं, और फिर इन पर जाके छुप जाते हैं। और साथ ही साथ इनको अगर मान लीजिए जगह नहीं मिलती, तो ये आम नागरिकों के बीच फ्रेंड जाके छिप जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और सैनिक इनको पहचान नहीं पाते हैं फ्रेंड, और ये अपना काम करके निकल जाते हैं। और इस प्रकार दूसरे देश के जो सैनिक हैं उनको जनधन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो फ्रेंड आगे बात करेंगे और भी इसके बारे में। मिलिट्री टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें लिखा है फ्रेंड ट्रंप सेज ही हैज ए प्लान टू विन द अफगानिस्तान वार इन 10 डेज। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जुलाई 22, 2019 का एक आर्टिकल है, जिसमें कि अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट
जो कि डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने कहा था कि वो चाहे तो फ्रेंड ये वार को 10 दिन में ही समाप्त कर सकते हैं। उनके पास ऐसी पावर है, वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे इस वार को ख़त्म करने में, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर है और भी बहुत अच्छे अच्छे वेपन है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें लगभग अफगानिस्तान के 10 मिलियन लोगों को मारना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं, लगभग 1 करोड़ लोगों को मारना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ लोगों के लिए करोड़ों लोगों को मार दें। फ्रेंड आप समझ सकते हैं कि तालिबान लड़ाकों की संख्या 70-80 हज़ार है, वहीं पर इसकी वजह से 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया था। आप देख सकते हैं फ्रेंड, उन्होंने ये कहा था कि वार 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड ये कब कहा था उन्होंने, 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उनसे मिलने थे। और फ्रेंड देख सकते हैं उन्होंने कहा 10 मिलियन पीपल को मारना पड़ेगा अफगानिस्तान के, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ लोगों के चक्कर में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को निशाना बनाएं। तो ऐसा ही फ्रेंड कोई भी देश नहीं करना चाहेगा कि कुछ लोगों की वजह से निर्दोष लोगों को मारा जाए, ना कि अपना देश इंडिया भी ऐसा नहीं करेगा। तो फ्रेंड आगे बात करेंगे, अब फिर बात करेंगे कि हम आखिर सुहेल साइन ने क्या कहा था। तो फ्रेंड उन्होंने भारत को चेतावनी दी थी, भारत का काम को उन्होंने फ्रेंड प्रशंसा की है जो उन्होंने अफगानिस्तान में भारत के द्वारा किया गया है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कभी भी भारत अपनी सेनाएं भेजने की कोशिश करता है तो फ्रेंड वो इसके लिए बहुत ही बुरा परिणाम करने के लिए तैयार रहेंगे। तो फ्रेंड इन्होंने देखिए क्या कहा है, इंडिया ने जो वहाँ पर वर्क किया है उसके लिए फ्रेंड प्रशंसा भी की है भारत की। तो आप देख सकते हैं जो भी इंटरनेशनल नेशनल प्रोजेक्ट और डैम बनाए हैं भारतीय गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच समझौते से, उनकी प्रशंसा की है। और फ्रेंड साथ ही साथ भारत को धमकी दी है कि आप आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था फ्रेंड कि वो किसी भी देश की एम्बेसी और डिप्लोमेट को टारगेट नहीं करेंगे, उनका काम फ्रेंड बस इतना है कि जो सत्ता है उनके हाथ में आ जाए शांति समझौते के साथ। लेकिन फ्रेंड अगर इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा तो हम अफगानिस्तान में करेंगे, हम किसी भी देश के डिप्लोमेट या एम्बेसी को निशाना नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है। लेकिन फ्रेंड ये अफगानिस्तान का जो तालिबान संगठन है फ्रेंड, ये एक कमांडर के अंडर में वर्क नहीं करता है कि ये पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड हो। कई बार तो फ्रेंड ये कहते कुछ हैं और कर कुछ देते हैं, ये अटैक करने को नहीं कहते हैं लेकिन फ्रेंड उसके कुछ दिन बाद अटैक कर देते हैं। और साथ ही साथ कई बार तो फ्रेंड ये जो परियोजनाएं हैं देश की उन पर भी अटैक कर चुके हैं, जबकि ये इन्होंने मना किया है कि वो कभी भी ऐसी परियोजनाओं या किसी डैम जैसी परियोजना को हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ ही दिन में वो अपना वादा भूल जाते हैं और अटैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड लोगों की मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। अब बात करेंगे फ्रेंड आखिर ऐसा जवाब क्यों मिला है भारत को इस स्पोक्स पर्सन की तरफ से। तो फ्रेंड आपने सुना होगा इससे पहले दोहा में मीटिंग हुई थी फ्रेंड इंडिया की, जिसमें शामिल हुए थे फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, पाकिस्तान और चाइना। फ्रेंड ये मीटिंग होस्ट की गई थी कतर द्वारा। तो फ्रेंड इसमें भारत ने प्रमुख भूमिका निभाते हुए साफ तौर पर कहा था कि वे ऐसी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो कट्टरवादी सरकार हो और जबरदस्ती सत्ता हासिल कर आई हो। तो फ्रेंड उन्होंने भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे फ्रेंड इसमें सेक्रेटरी जेपी सिंह, इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि ये तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देंगे। और साथ ही साथ इनके सपोर्ट में फ्रेंड सभी देश यूएस, रसिया, चाइना और पाकिस्तान सब थे कि सही बात है, ऐसे किसी भी देश को मान्यता नहीं दी जा सकती जहाँ पर इलेक्शन से सरकार न चुनकर गोला बारूद और फिर वेपन के इस्तेमाल से सरकार आए। तो फ्रेंड इसमें सभी सहमत थे, जिसके बाद से तालिबान के स्पोक्स पर्सन का फ्रेंड ऐसा बयान आया था कि अगर आपने
अपनी कोई भी सेना कभी भी हमारे खिलाफ भेजी अफगानिस्तान में, तो फ्रेंड आपका बुरा हश्र होगा। लेकिन फ्रेंड अगर बात की जाए, अगर अफगानिस्तान का ये तालिबान संगठन प्रत्यक्ष रूप से लड़ ले किसी भी देश से, तो फ्रेंड ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, इसके पास कुछ क्षमता नहीं है। लेकिन फ्रेंड ये बचाता है अपने आप को वहाँ की जियोग्राफी की वजह से, उसका फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड दूसरे देशों को काफ़ी दिन लग जाते हैं। शुरुआत में तो सभी देशों को लगता है कि वार जीत रहे हैं, लेकिन फ्रेंड कुछ दिन बाद उन्हें लगने लगता है कि ये कभी ना समाप्त होने वाला एक युद्ध हो जाता है, और फ्रेंड इसी की वजह से सभी देश अपनी सेनाएं यहाँ से निकालना चाहते हैं फ्रेंड, जिसकी वजह से फ्रेंड यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। यूएस ने भी अपनी सेनाएं निकालने का डिसीजन लिया था फ्रेंड, और उसके बाद से लगातार सैनिकों की वापसी हो रही थी, और फ्रेंड 31 अगस्त तक यूएस के लगभग सैनिक यहाँ से निकलने थे। और इसी बीच फ्रेंड ये अराजकता का माहौल फैलता जा रहा है, तालिबान ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है बहुत ही ताकतवर तरीके से, और देश की सत्ता पर काबिज करने की वो सोचने लगा है फ्रेंड, और इस पर भी वर्क कर रहा है, और उसने काबुल समेत कई सारे जो यहाँ के स्टेट हैं उन पर भी कब्जा जमाना चालू कर दिया फ्रेंड। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों धमकी दी गई थी तालिबान की ओर से भारत को, और मना किया गया है कि आप कोई भी सैनिक कार्रवाई करने से बचें। लेकिन अगर बात की जाए फ्रेंड यहाँ पे यूएस सैनिक आए, तो इंडिया इस बारे में कुछ सोच भी सकता है। डायरेक्ट तो नहीं सैनिक हमारे लड़ने जा सकते हैं, लेकिन कई तरीके से इंडिया सपोर्ट कर सकता है अफगान गवर्नमेंट को। तो फ्रेंड अभी के लिए जो बाइडेन ने अपने 3,000 सैनिक यहाँ पर भेज दिए हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा है कि अभी हम पूरी तरीके से अफगानिस्तान को नहीं खाली कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड बात करेंगे नेक्स्ट में, और भी नए नए अगर तालिबान के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं लाता रहूँगा फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।